सो गाइस, सैंड ड्यून में सबसे फर्स्ट मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज है कैमल। हेलो एवरीवन, वन सेकंड, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज संडे है लेकिन फंडे नहीं हो पाया। आपको काफ़ी दिनों से वार्तालाप नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ, तो सोचा आज शाम का टाइम हो चला है, आपको लेके चलते हैं सैंड ड्यून पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़कम वाली जगह हो गई है। और टूरिस्ट भी आ रहे हैं, लोकल भी आ रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, कैमल सफारी कर रहे हैं, एटीवी राइड कर रहे हैं। तो सोचा बच्चों को लेकर आपको भी ले चले साथ में, दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं बगैर किसी धीरे की, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। चलो चलते हैं, लेट्स गो। बोल रहे हो कहाँ जाना है उदयपुर को, कहाँ जाना है? इधर देखो, इधर देखो ना, इधर देख के बोलो। इस गाड़ी में जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है? बोलो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है उदयपुर को, कहाँ जाना है? इधर देखो, मुझे घूमने जाना है। घूमने जाना है, इधर देखो ना, घूमने जाना है। रुमेशा को कहाँ जाना है? घूमने के लिए। घूमने के लिए कहाँ? उधर से। उधर जाना है। हाँ। तैयारी हो रही है। और बच्चा देखो मेरा, मधमाशियां करता फिर रहा है, और सारे मोहल्ले के बच्चे भी आ गए हैं, ये भी, इनको भी जाना है मास्क शास्क लगा के, ये जाने के लिए तैयार है। तो गाइस चलने के लिए रेडी हो गए हैं, तो चलो चलते हैं बगैर किसी देरी के, सैंड ड्यून पे निकलते हैं। और थोड़ा शाम का वक्त हो चला है, गर्मी भी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि सैंड ड्यून पे दिन में काफी रेत जो है ना गर्म रहता है, इस टाइम पे ठंडा हो जाता है। चलो चलते हैं भाई, लेट्स गो। सो गाइस, घर से निकलने के बाद एक दुकान पे रुका हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था यार इन लोगों का प्लान क्या था। और देखते हैं सैंड ड्यून पर, मतलब मींस ये है कि मतलब आम हम जाते हैं तो ऐसे घूम के आ जाते हैं, लेकिन से जो है ना कुछ लेके जा रहे हैं बना बना के। तो भाई अपने को तो खाना है, जाके खा लेंगे और क्या है, लेने दो जो कुछ लेना है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए सैंड ड्यून पर, आप देख सकते हो क्राउड कितना है यहाँ पे, गाड़ियों को रखने की जगह नहीं है यहाँ पे, और लोग भी काफ़ी हैं, देख सकते हो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, टूरिस्ट है, लोकल है, सारे लोग हैं यहाँ पे। तो गाइस काफ़ी क्राउड है यार, काफ़ी क्राउड है, आप देख सकते हो कितना टूरिस्ट है। पार्किंग ही नहीं मिली मुझे तो, देख रहे हो आप। अंजलि टाटा टाटा, आर्चरी है, आप शौक रखते हो तो यहाँ पे कुछ वो आप फेंक सकते हो। तो गाइस सामने आपको जो ये स्पॉट दिख रहा है, यही मेन जगह है जिसको टूरिस्ट विजिट करते हैं, सैंड ड्यून। और यहाँ पे डबल हम कैमल, बैक्टीरियन कैमल आपको दिख रहा होगा, टूरिस्ट राइड कर रहे हैं, और यहाँ पे टिकट के लिए लाइन लगी है, देखो आप सामने यहाँ पे, वहाँ पे काफ़ी रश है। जल्दी दौड़ के आओ, दौड़ के। ये अंडलीव, अंडलीव, आजा 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 आजा, यो 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 यो
यो यो यो यो यो यो यो सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं सैंड ड्यून के ऊपर। काफी यहाँ पे एक ड्यून है उसके ऊपर आए हैं। पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा बहुत सारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं। और मेरे साथ है नजमा, आ जाओ। हेलो गाइस, ये है नजमा और सैंड ड्यून के बारे में ये ज्यादा बेहतर से बताएगी। सारे आवाम जो है आपकी आवाज को सुनने के लिए बेताब है, तो बताएं सैंड ड्यून पे क्या क्या एक्टिविटीज है, बताओ। सो गाइस, सैंड ड्यून में सबसे फर्स्ट मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज है कैमल। कैमल कैमल और यहाँ पे वो लोग राइड करते हैं यहाँ पर सैंड पर। सो यहाँ पे सैंड और नेक्स्ट है यहाँ पे सैंड, क्योंकि मतलब एक छोटी सी विलेज में बहुत सारा सैंड आपको देखने को मिलेगा। और थर्ड है यहाँ पर एटीवी राइड, और यहाँ पे एटीवी राइड भी है। सो यहाँ पे फोर्थ में क्या है, कल्चर डांस भी होते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे देखने को है। सो बस दैट्स इट, तो ये सारा कुछ है भाई। ये दो तीन एक्टिविटीज यहाँ चलती है, तो हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं यहाँ पे। सो गाइस, काफ़ी शाम हो गया है और अभी हम वापस हो रहे हैं सैंड ड्यून पर। काफ़ी देर बैठे गपशप लगाए, थोड़ा पिज़्ज़ा बनाया और क्या करेंगे, तो अभी गाड़ी के पास जाते हैं, कुछ लेके आए खाने पीने के लिए, तो वो खाते हैं फिर इसके बाद निकलते हैं। क्योंकि सैंड ड्यून पर सामान लेके, खाने पीने का सामान लेके आ नहीं सकते क्योंकि हवा चलती है तो रेत जा सकता है, इस वजह से उधरी गाड़ी के पास बढ़िया से वहाँ बैठ के खाते हैं फिर इसके बाद निकलते हैं। ब्रेक लिया गया है यहाँ पे, केक बना के लाया है, बिस्किट है, चाय है। हाँ, भाई पिकनिक मनाने आए हो आप लोग? Yes. बताओ पिकनिक मनाने आए? हाँ पिकनिक मनाने आया। ये क्या है? पकौड़ी शकौड़ी। सुहाना मौसम हो, सामने पानी हो और बेहतरीन नज़ारे हो और हाथ में एक कप चाय हो और इसकी चुस्की ली जाए, तो क्या ही समा बनता है और क्या ही फिजा बनता है भाई। तो ये लाल लाल पकौड़ी भाई, कलर डाला है क्या इसके अंदर? क्या डाला है? कलर डाला है? कलर है, कलर है ये। चख के देखते हैं, पकौड़ी का टेस्ट करते हैं भाई। लाजवाब। अच्छा, केक को आप चाकू तो है नहीं, चाबी से ही करना पड़ रहा है। चखते हैं केक कैसा बना हुआ है। वही गाड़ी का बटन ही दब गया यार ये। फ्रूट बोला ला जवाब। कैसे बैठ के खा पी रहा है? क्या खा रहे हो हुदेव? ये क्या है? ये क्या है ये? हाँ तो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखें। मिलते किसी दूसरी जगह पर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।